हेलो एवरीवन, गो ग्रीन एग्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे सप्लाई और डिमांड, जो कि इकोनॉमिक्स का सबसे अच्छा टॉपिक है, या मीडिया कहे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। देन स्टार्ट सप्लाई एंड डिमांड। फर्स्टली अपन बात करेंगे व्हाट इज़ डिमांड। व्हाट इज डिमांड? डिमांड क्या कहता है कि जैसे अब किसी मार्केट में गए अपन और मार्केट में अपने कोई वस्तु देखी तो उसको खरीदने की चाहत, मतलब उसको खरीदना भी चाहते हो अपन और उसके खरीदने के पैसे भी हो अपने पास, तो वो उस वस्तु की डिमांड कहलाती है। तो अपन बताएं कि क्वांटिटीज ऑफ ए पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस कंज्यूमर्स आर विलिंग, मतलब जो विलिंग मतलब चाहता भी है, एंड एबल टू बाय उसको खरीदने की का एबलनेस भी है, वो उसकी डिमांड कहलाती है। ठीक है, देन अपन बात करें कि डिमांड का कर्व क्या है। डिमांड कर्व या डिमांड लॉ की बात करते हैं तो डिमांड लॉ क्या बताता है। डिमांड लॉ बताता है कि जब प्राइस आर इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, एंड देन क्वांटिटी ऑफ डिमांड आर डिक्रीज, देन ये बताता है कि ये जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का जो ग्राफ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसमें क्या होता है, जब प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड उसकी घट जाएगी। किसी वस्तु की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो वो घट जाएगी। इस ग्राफ में बताया गया है, जैसे कि इस ग्राफ में बताया गया है कि जैसे इस समय प्राइस है 25 रुपये, 25 रुपीज़ प्राइस है। ठीक है, देन इस समय ग्राफ होगा ऐसे बनेगा, तो डिमांड हुई कम। ठीक है, और प्राइस है 20 रुपये इस पॉइंट पे, देन डिमांड आर इंक्रीज। ठीक है, प्राइस 25 रुपये थी, देन डिमांड रही अपने 20 रुपये, देन डिमांड रहे अपने 5, एंड प्राइस आर 20 तो डिमांड रहे अपने 10। ठीक है, ये डिमांड का इन्वर्सली प्रोपोर्शन। देन आगे बात करें अपन, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि कंज्यूमर बाइज मोर ऑफ ए गुड व्हेन इट्स प्राइस डिक्रीज एंड लेस व्हेन इट्स प्राइस आर इंक्रीज। ठीक है, व्हेन प्राइस आर गोज अप देन डिमांड आर गोज डाउन, मतलब जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे प्राइस इंक्रीज देन डिमांड आर डिक्रीज, यही बताना चाहता है। ठीक है, अब आता है फैक्टर्स ऑफ डिमांड, कि डिमांड को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो क्या क्या डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, देन अपन सबसे पहले बात करें कि सबसे पहले इनकम। इनकम क्या होती है, किसी भी वस्तु की इनकम बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसमें क्या होता है कि इनकम के प्रति जो ग्राफ होता है किसी भी डिमांड का, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है कि जब इनकम इंक्रीज देन डिमांड आल्सो इंक्रीज। ठीक है, व्हेन इनकम गोज अप देन कंज्यूमर बाइज मोर, मतलब कंज्यूमर ज़्यादा खरीदेगा, डिमांड बढ़ जाएगी, और इनकम यदि किसी की कम है तो वो कम खरीदेगा। ठीक है, ये इसका इनकम के फैक्ट में होगा। जैसे कि अपन नॉर्मल वे में देखा जाए तो यदि किसी पर्सन की इनकम ज़्यादा है तो वो उसकी जो डिमांड होगी वो ऑब्वियसली हाई होगी। ठीक है, पहला जो फैक्टर है वो इनकम के केस में क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, देन दूसरा जो फैक्टर है वो होता है प्राइस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सबसे पहले बात करें कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, जो आगे भी बात करेंगे, बट फर्स्टली हम देखे जाए कि ऐसी कोई सी गुड्स जो किसी दूसरे को चेंज कर सके अपने से दूसरे के, जैसे कि अपन आज देखें चाय और कॉफ़ी, यदि किसी टाइम पे चाय की प्राइस बढ़ जाती है, चाय की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, चाय की प्राइस इंक्रीज हो गई, देन
उस समय अपन कॉफ़ी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। माना गया चाय 10 रुपए की है और कॉफ़ी 5 रुपीस की, तो अपन चाय को नेगलेक्ट करेंगे और कॉफ़ी का अपन यूज़ करेंगे। दैट इज़ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। ए सब्स्टिट्यूट गुड इज़ ए गुड दैट कैन बी यूज इन प्लेस टू अनादर, दूसरे के प्रति चेंज हो जाए, ठीक है, वो होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब होता है फैक्टर्स ऑफ डिमांड। तीसरा तीसरा पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस या अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। अब सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या कहलाती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो उदाहरण है अपन देखा जाए तो कार और पेट्रोल, ठीक है। इसके अंदर, इस केस के अंदर क्या होगा कि जब कार की प्राइस, पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हुई, पेट्रोल की, ठीक है, देन उस समय कार की प्राइस घट जाएगी, ठीक है। पेट्रोल की प्राइस बढ़ी, बट चेंज किस पे इफेक्ट किसी पर होगा, कार पे। तो दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, क्या बता रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर थिंग्स दैट आर ऑफन आर सोल्ड और यूज टुगेदर, जो साथ में यूज की जाती हो, ठीक है। दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कार और पेट्रोल एक साथ यूज की जाती है। चौथा फैक्टर चेंज इन नंबर द बायर्स, ठीक है। अब बायर्स जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा सेल्स होगी, ठीक है। पांचवा पॉइंट है, ठीक है, जैसे किसी को चाहिए प्रेफरेंस, क्या होता है जिसको, जैसे कि किसी को जो चीज़ चाहिए वो उसके, उस पर चाहे उसकी प्राइस बढ़े चाहे घटे, ऐसा कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा उसके, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ गुड। अपन सबसे पहले बात की थी इस पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, देन अपन इसमें सिंपल बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, आर द पेयर ऑफ द गुड्स कंज्यूम टुगेदर, जो कि एक साथ कंज्यूम की जाती हो, एज ए प्राइस ऑफ द वन गोज अप देन डिमांड ऑफ द अदर आर फॉल्स, लाइक कार एंड पेट्रोल्स। कार जैसे कार है, कार की और पेट्रोल, जैसे पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हुई तो कार की प्राइस में डिक्रीजिंग होगी, ठीक है। दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दूसरा आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड अल्टरनेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे का अल्टरनेटिव होता है। वन गोज अप देन डिमांड फॉर द अदर आल्सो गोज अप, लाइक जैसे कि पेप्सी और कोक का उदाहरण दिया हुआ है इसमें। यदि प्राइस आज पेप्सी की जो प्राइस इंक्रीज हो जाए, देन अपन कोक का यूज करने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे कि टी एंड कॉफी, टी की प्राइस बढ़ी तो कॉफ़ी आज यूज करने लग जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब आता है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स है दोज गुड्स आर डिमांड गोज अप एंड कंज्यूमर इनकम इंक्रीज, जिसकी नॉर्मल, जो नॉर्मल गुड्स होती है जिसमें डिमांड बढ़ जाती है इनकम बढ़ने पर, ठीक है। अब आता है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स को ही ग्रिफिन गुड्स कहा जाता है, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स क्या होती है, इस केस में डिमांड लो चेंज होता है, इस केस में डिमांड लो चेंज होता है। जैसे इन्फीरियर गुड्स में क्या होते हैं कि जब डिमांड प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, ठीक है। इन्फीरियर इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड फॉल्स व्हेन द कंज्यूमर इंक्रीज, डिमांड मतलब इनकम, इनकम के केस में इंक्रीज होगी, मतलब डिमांड फॉल हुई देन इनकम इंक्रीज। अपन ने ऊपर बात किया था कि किसी भी की इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है, ये इसका रिलेशनशिप था कि भाई इनकम इंक्रीज देन डिमांड में डिक्रीज। बट इस केस में उल्टा हो रहा है कि डिमांड घटी तो इनकम उसकी इंक्रीज हुई, ठीक है। ये होता है इन्फीरियर गुड्स, जैसे ऑटो, ट्रेवल या केरोसिन। चौथा है वेबलेगन गुड्स या स्नॉब गुड्स, है ना। इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो डिमांड आर फॉल्स व्हेन प्राइस आर फॉल्स, प्राइस गिरेगी तो डिमांड भी उसकी घट जाएगी, ठीक है। डेट इज़ द वेबलेगन गुड्स। अब आता है सप्लाई, सेकेंड आता है सप्लाई। सप्लाई की बात करें कि कोई भी चीज़ को सप्लाई करना मार्केट में, डेट इज़ द सप्लाई। द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑफर्ड फॉर द सेल एंड ऑल पॉसिबल प्राइस इन द मार्केट, जो मार्केट में सेल की जाती है उसे उसकी सप्लाई कहते हैं। लॉज ऑफ सप्लाई,
बिल्कुल जो उल्टा होता है वो डिमांड का उल्टा होता है. इसके अंदर कहते हैं व्हेन द प्राइस आर इंक्रीज देन सप्लाई आर इंक्रीज, व्हेन द प्राइस आर डिक्रीज देन सप्लाई आर डिक्रीज. इसका जो कर्व होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है इसका कर्व, ठीक है. और जैसे प्राइस सप्लाई प्राइस इंक्रीज, यहाँ प्राइस इंक्रीज हुई जैसे 20 हुई, देन क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इंक्रीज हुई, 50 हुई प्राइस तो सप्लाई भी इंक्रीज हो गई, ठीक है. दैट इज द सप्लाई कर्व. सो अब आगे देखा जाए कि विद द लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब हाउ टू प्राइस इफेक्ट द कंज्यूमर. अब फैक्टर्स देखे सप्लाई के, तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, कॉस्ट ऑफ इनपुट, इनपुट का कॉस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है. व्हेन द प्रोडक्शन कॉस्ट गो अप, किसी का भी किसी का कॉस्ट ज़्यादा होगा मतलब उसकी प्राइस ज़्यादा होगी तो सप्लाई ऑब्वियसली इसकी घटेगी, और प्राइस कॉस्ट उसकी कम है तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी. दूसरा चेंज इन द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि भाई किसी की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, कोई भी चीज़ मार्केट में ज़्यादा बनी तो उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी, कोई भी चीज़ मार्केट में कम बनी तो उसकी सप्लाई कम होगी. तीसरा चेंज इन द नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट, सेलर ज़्यादा होंगे तो सप्लाई ज़्यादा होगी, सेलर्स कम होंगे तो सप्लाई कम होगी. अब आता है लास्ट पॉइंट इक्विबिलियम पॉइंट प्राइस. इसके अंदर क्या होता है, व्हेन द डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व है, एंड द सप्लाई कर्व आर सेम, सप्लाई कर्व आर जहाँ पे मिलते हैं जैसे इस पॉइंट पे आके मिल गए, तो उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विबिलियम पॉइंट. इस पॉइंट पे हमेशा मार्केट की प्राइस डिसाइड की जाती है, किसी भी वस्तु की प्राइस होती है ना इसी पॉइंट पे डिसाइड की जाती है, ठीक है. दैट इज़ द इक्विबिलियम प्राइस. थैंक यू फ्रेंड्स. नेक्स्ट अपन